नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं विष्णु ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के अपकमिंग हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्यूशिया के बारे में। गूगल पिछले काफ़ी सालों से फ्यूशिया पर काम कर रहा है। ये एक रिस्पॉन्सिव और यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कोई भी डिवाइस हो, किसी भी साइज़ की क्यों ना हो, ये सभी पर काम करेगा। लेकिन अभी तक एक मिस्ट्री ही है, गूगल इसे रिलीज कब करेगा और इसके आने के बाद एंड्रॉयड का क्या होगा। रिसोर्सेस कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो मॉडर्न मोबाइल्स और कंप्यूटर्स दोनों के लिए होगा और ये एंड्रॉयड ऐप्स को भी सपोर्ट करेगा। गूगल का ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एंड्रॉयड और ओएस से थोड़ा डिफरेंट होगा और ये लिनक्स बेस्ड नहीं। इसके लिए गूगल ने अलग से माइक्रो कर्नल डिज़ाइन किया है जिसका नाम है मैजेंटा। अब हम बात करते हैं फ्यूशिया क्यों, एंड्रॉयड क्यों नहीं। अगर हम गैजेट्स की बात करें तो आजकल ऑलमोस्ट सभी गैजेट्स में एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड ऑटो कार्स में है, वेयर ओएस स्मार्ट वॉचेस में है, एंड्रॉयड स्मार्ट स्पीकर्स, एंड्रॉयड स्मार्ट टीवीज, इन सभी में एंड्रॉयड आ गया है। लेकिन जब बात आती है सिंकिंग की, वॉइस कंट्रोल की या फिर वॉइस इंट्रैक्शन की, तो उन सब में कहीं ना कहीं एंड्रॉयड पीछे रह जाता है। इसके कुछ फ्लॉज भी हैं जिसके कारण शायद एंड्रॉयड ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसा कि इसके पास एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जिससे आपको एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस मिले, जैसा कि आईओएस के पास है। आप एप्पल के कोई भी डिवाइस लो, सभी पर आपको सिमिलर एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ये सब उनके एक पावरफुल इकोसिस्टम की वजह से ही है। जैसे अगर आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आया है तो आपके सिस्टम पर ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपने सिस्टम से ही उस कॉल को अटेंड भी कर सकते हैं। आप अपने एप्पल वॉच से अपने सिस्टम को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक इकोसिस्टम की गूगल को भी ज़रूरत है। दोस्तों हम सबको पता है आजकल सभी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस, टीवी, कार, स्पीकर्स, इन सभी आईओटीज में गूगल को एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इकोसिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तभी वो एप्पल को टक्कर दे पाएगा। एंड्रॉयड के जो अपडेट्स हैं वो भी सभी यूजर्स तक नहीं पहुँच पाते हैं। गूगल की डिवाइसेस में तो ये मिल ही जाते हैं लेकिन बाकी डिवाइसेस तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी तो मैंने फ्यूशिया का ओवरव्यू भी किया है, चलो इसके मेजर फीचर्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो बेस्ट फीचर है जो इसे एक आइडियल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है वो है सिंकिंग अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। गूगल का इसको डिवेलप करने का मोटिव यही था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो सभी डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करे, जैसे कि पीसीज, स्मार्ट टीवीज, कार, फ्रिज, स्मार्ट वॉचेस। वैसे अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड भी इन डिवाइसेस पर चलता है, लेकिन जब बात आती है सिंकिंग की, कम्युनिकेशन की, वहीं ये फ्यूशिया अपना काम करता है। मान लीजिए आप ऑफिस से घर के लिए निकले हों, आपके वर्क सेशन में, लैपटॉप में, कार में, मोबाइल में, सभी जगह फ्यूशिया ओएस है और सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो, आप जहाँ से छोड़ोगे वहीं से शुरू होगा। अगर आप कार में म्यूजिक सुन रहे हो, घर पहुंचने पर स्मार्ट स्पीकर ऑन करोगे तो ये वहीं से बज उठेगा। दोस्तों आईओटी के इस टाइम में हमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है जिसमें सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और ऐसा यही काम अब फ्यूशिया करने वाला है। बात करते हैं इसके अगले फीचर की जो इसे एंड्रॉयड से अलग बनाता है, वो है अडेप्टेबिलिटी। अगर हम कोई ऐप किसी मोबाइल पर यूज़ करते हैं, वही ऐप अगर हम किसी टैबलेट या फिर पीसी पर यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेस से लगता है, यानी वो मोबाइल वाली बात किसी और डिवाइस पर नज़र नहीं आती। इसी कमी को भी फ्यूशिया दूर करेगा। कोई भी डिवाइस हो, कोई भी स्क्रीन हो, किसी भी साइज़ की क्यों ना हो, ये सब पर चलेगी। ये इतना फ्लेक्सिबल है, हर किसी डिवाइस पर, हर किसी स्क्रीन साइज़ पर ये स्मूथली चलेगा और सेम एक्सपीरियंस, सेम ऐप डिज़ाइन आपको हर डिवाइस पर मिलेगी। दोस्तों गूगल फ्यूशिया में वॉइस कंट्रोल या फिर वॉइस इंट्रैक्शन को और भी पावरफुल बना दिया है। अब ये नॉन टच डिवाइसेस को भी सपोर्ट करेगा, यानी गूगल असिस्टेंट अब और भी पावरफुल बनने वाला है। अभी तक तो इससे आप सर्चिंग, डायलिंग और अलार्म जैसे फंक्शन ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्यूशिया में वॉइस इंट्रैक्शन एक अलग ही लेवल पर होगा। अभी तक तो एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट ही वॉइस इनेबल्ड ऐप है, लेकिन फ्यूशिया में सभी ऐप वॉइस इनेबल्ड होंगे।
यानी अब आप अपने मोबाइल को विदाउट टच भी ऑपरेट कर सकते हैं। गूगल का इसको डेवलप करने का मोटिव एक इंडिपेंडेंट ओएस का है, वो चाहता है कि सभी डिवाइसेस के लिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो और सभी डिवाइसेस पर आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिले। अभी तो वो इसे अपने डिवाइसेस के लिए ही लॉन्च करेगा, लेकिन जैसे ही ये एंड्रॉयड की तरह पॉपुलर हो जाएगा, फिर सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, ओप्पो, वीवो, एमआई सभी में बस आपको फ्यूचर ही फ्यूचर मिलेगा। आने वाले टाइम में हम इसका मर्ज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी देख सकते हैं, जैसे कि क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, अल्ट्रा फास्ट 5G नेटवर्क और क्वांटम कंप्यूटिंग। अब बात करते हैं इसकी रिलीज डेट की, ये आएगा कब। 2016 से गूगल इस पर काम कर रहा है और बहुत से लोग कहते थे कि 2018 तक ये अवेलेबल होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी तक तो इसकी टेस्टिंग चल रही है। इनफैक्ट पीछे काफ़ी सारे वीडियोस भी आए थे जिसमें ऑनर प्ले के ऊपर इसकी टेस्टिंग चल रही थी। कम से कम 4-5 साल का टाइम तो लगेगा, 2020 तक शायद ये कुछ डिवाइसेस पर अवेलेबल होगा। दोस्तों इसके ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। बात करें अगर इसके बेस्ट फीचर की तो वो है मल्टीटास्किंग। अगर आपने दो एप्लीकेशन एक साथ खोल रखे हैं तो, और अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है तो आपको एक एप्लीकेशन को उठाकर दूसरे के ऊपर रखना है तो आपका एप्लीकेशन टैब व्यू में ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो इसे स्प्लिट स्क्रीन मोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस टैब को होल्ड करना है और चूज करना है इसको ऊपर रखना है या नीचे रखना है, उसके बाद ये स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। इसमें आप स्प्लिट स्क्रीन का ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे इसमें अभी तक दो ही स्क्रीन का ग्रुप बना है। अगर आपको इसमें तीसरा एप्लीकेशन डालना है तो इसे आप ऐसे एप्लीकेशन को होल्ड करके इसे टैब व्यू में भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप में भी रख सकते हैं। अभी यहाँ ये UI भी थोड़ा लैग कर रहा है, लेकिन जैसे ये स्टेबल वर्जन में रिलीज होगा तो इसे आप स्मूथली चला पाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कैसे स्प्लिट स्क्रीन में ओपन होगा। ये देखिए ये हो गया। इसमें हम और भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। फिर से हम एप्लीकेशन को ड्रैग करेंगे और रखेंगे और ये देखिए चारों एप्लीकेशन एक साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप एप्लीकेशन का ग्रुप भी बना सकते हैं। ये चारों एप्लीकेशन हमेशा ऑन रहेंगे और आप इसके साथ ही दूसरे एप्लीकेशन पर भी काम कर सकते हैं। चारों एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन मोड में ही रहेंगे, आपको बस टैब को क्लिक करना है और ये चारों एप्लीकेशन एक साथ खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चार एप्लीकेशन का ही ग्रुप बना सकते हैं, शायद इस पर अभी काम चल रहा होगा जिसमें हम चार एप्लीकेशन से भी ज़्यादा का स्प्लिट स्क्रीन मोड बना पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इस फ्यूचर के बारे में, ये कब तक आएगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।